आजकल मैं यूके में हूँ, टू बी प्रिसाइज, वॉकिंग इन लंदन। और आज 5 नवंबर है, बड़ा सनी डे है, ब्राइट कूल सनी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है विंकवर्थ आर्बोरेटम जाने का। आर्बोरेटम इज़ अ बोटेनिकल गार्डन फॉर ट्रीज, जैसे बोटेनिकल गार्डन फूलों के लिए होते हैं, पौधों के लिए ये पेड़ों के लिए है। ये 95 एकड़ का जंगल है जिसे डॉक्टर विल्फ्रेड फॉक्स ने अकेले बनाया है। लोकल डॉक्टर थे वो यहाँ के, बट हिज पैशन वॉज फॉर प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड हिल साइड उनके घर के पास। तो जंगल उनके लिए उनका पैशन था। उन्होंने सारे दुनिया से पेड़ कलेक्ट किए, स्पेशली जापान से, बिकॉज मेपल्स एंड एसर्स वो जापान से लाए, और जिससे उन्होंने यहाँ पर इतना खूबसूरत लैंडस्केप बनाया है। और वैसे तो साल में कभी भी आ सकते हैं, पर इसका पर्टिकुलर टाइम है ऑटम। आजकल ऑटम चल रहा है, तो दैट इज़ वाई वी थॉट कि इसको तो इस मौसम में देखना ही चाहिए। आज कुछ फोटोग्राफ्स लिए, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। दो आई मस्ट कन्फेस, फोटोग्राफ्स जस्टिस नहीं करती हैं इसकी खूबसूरती। यहाँ की जो खूबसूरती है वो कैमरे में कैद नहीं की जा सकती, स्पेशली इतना मोबाइल कैमरा। ये जंगल उन्होंने 1938 में लगाना शुरू किया था एंड 1952 में कंप्लीट हुआ। ये कंटिन्यूड ड्यूरिंग द वॉर आल्सो, और उसका जब कंप्लीट हो गया तो वो नेशनल ट्रस्ट को उन्होंने गिफ्ट कर दिया है फॉर पब्लिक व्यूइंग। ऑफ कोर्स पब्लिक व्यूइंग इज़ नॉट फ्री, यू हैव टू पे 12 pounds पर हेड, विच इज़ अबाउट 1200 रुपीज़, इंडियन रुपीज़, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। ये हम लोग विंकवर्थ के कार पार्क में पहुंच गए हैं। कार पार्क वॉज फुल, तो ये ओवरफ्लो कार पार्क है। सोचिए इतनी भीड़ थी कि पूरे कार पार्क फुल हैं। ये यहाँ से टिकट लेकर और हम लोग फिर अंदर जा रहे हैं। ये डॉक्टर विल्फ्रेड फॉक्स का प्लेक लगा हुआ है, विच शोज दैट ही वॉज बॉर्न इन 1875 एंड डाइड इन 1962। और ये अंदर की वॉक, क्योंकि मार्शी लैंड है, कई जगह नाले से बहते हैं और हिल्स से। पर ये जो पेड़ आप देख रहे हैं पीछे, मोस्टली एसर्स, ओक ट्रीज, मेपल्स, बीच, ये सारे पेड़ हैं। वैसे हजार वेराइटीज़ हैं, ऑफ कोर्स वी डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल। पर ब्राइट सनशाइन थी जिससे कलर्स काफ़ी अच्छे थे। अभी ये सब पत्तियाँ झड़ने वाली हैं, मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते के अंदर या और 15 दिन में ये सब पत्तियाँ गिर जाएंगी, बिकॉज स्नो एंड विंटर्स विल सेट इन। पर इस समय खूबसूरती है चारों तरफ। स्पेशली जो ये डार्क रेड दिख रहा है, दिस इज ऑल मेपल पीछे, एंड वहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है अंदर, जिसके चारों तरफ की वॉक्स हैं। ये एक फ्रेम लगा रखा है उन्होंने लकड़ी का, जिससे कि वहाँ पर फोटो ले सके। तो फोटो फ्रेम, ये एक पेड़ गिरा हुआ था, उसका स्कल्पचर बनाया है। ये देखिए, दिस इज एसर, ये हमारे घर में भी हमने लगाया हुआ है यहाँ। सारी ब्यूटी सनलाइट की है। इस समय सनशाइन कर रहा है तो सब ब्यूटीफुल है, ज़रा सा अगर क्लाउड्स आ जाते हैं तो सब डल हो जाता है। जिन पेड़ों पर सन नहीं पड़ रहा है उनमें कोई चमक नहीं है। सो इट्स ब्यूटी ऑफ द सन ऑल अराउंड। The blue sky and white clouds, they lend beauty to the whole scene. यहाँ के ब्लू स्काई में भी एक चमक है जो इंडिया में नहीं दिखती, क्योंकि अपने यहाँ डस्ट इतनी है हवा में। यहाँ डस्ट फ्री होने की वजह से स्काई बहुत ज़्यादा ब्लू दिखता है।
दिस शोज कि हम लोग कितने डस्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं इन जनरल. ये देखिए मैंने एक टाइम लैप्स के साथ फोटो ली थी. यू कैन सी द क्लाउड्स मूविंग. And you can see the beauty of the sky. Thanks for watching. Please like, share, and comment. Thank you.